हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने शुरुआत की है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की, और जिसका कि पहला एपिसोड ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट एंड लाइक इट। और उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले कि हम और आगे बढ़ें तो थोड़ा डिस्कस कर लेते कि हमको पिछली वीडियो में, पिछले एपिसोड में क्या मिला। तो उसमें हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम मिल गई थी जो कि प्रोटेक्शन के लिए अच्छी है, जैसे कि प्रोटेक्शन आर्मर के रूप में मिले थे कुछ, ये एक गोल्डन सोर्ड, गोल्डन हो और एक ये गोल्डन पिकैक्स। बट इन सबको छोड़ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम मिली थी जो कि है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, जो कि मेरी जिंदगी का फर्स्ट इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, जिसको कि लेकर मैं काफ़ी ही खुश हूँ। तो और उसी के साथ ये अपनी इन्वेंटरी ना काफ़ी फुल फुल लग रही है, तो इसको थोड़ा खाली कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बनाने वाले एक एक नहीं दो चेस्ट, तो इसके लिए क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं यहाँ पे और फिर नीचे इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हमारे पास जो फूड है ना, उसकी कमी बहुत हो रही है, बिकॉज हमारे पास जो भी ये पोर्क चॉप और रो मटन है ये अभी कच्चा है, तो इनको पकाने के लिए हमको चाहिए फर्नेस, बिकॉज रो मीट से ना इतनी ज़्यादा भूख मिटती नहीं है, और अगर मिट भी जाती तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है। और उसी के साथ पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमको फूड, एक परमानेंट फूड सोर्स चाहिए जिससे कि हमको फूड की कमी ना हो, क्योंकि बिना फूड के ये गेम बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और उसी के साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम डिप डाउन करने वाले हैं स्ट्रेट, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें और ज़्यादा आयरन। सबसे पहले हम इकट्ठे करने वाले सीड्स, ताकि हम वेट ग्रो कर पाए, और जो कि आगे एनिमल्स को ब्रीड करने में भी काम आएगा, और जिसके हम ब्रेड भी बना सकते हैं, जो कि हमारा फूड सोर्स का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले सीड्स इकट्ठा करके कर लेते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम किसी टूल से कर लें या फिर वाटर बकेट से कर लें। तो वाटर बकेट ज़्यादा ईजी है, तो उसके लिए हमको चाहिए, जैसे कि हमारे पास रो आयरन है तो स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस। तो फर्नेस हमको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोन से मिल जाती है फर्नेस। तो वीकली काफी है, 28 हमको ये मिल चुके हैं, क्या कहते हैं अपना स्टोन। तो इनसे बना लेते हैं पहले फर्नेस, और सामने एक लेजर पोस्ट दिख रहा है, क्योंकि पहले ये शायद रेंडर नहीं हुआ था, पता नहीं क्या मिस कर दिया मैंने। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि लेजर पोस्ट में लूट तो इतनी खास नहीं थी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बट ये काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि इसके आसपास होता है विलेज, या फिर यूं कहें कि विलेज के आसपास काफ़ी टाइम पे लेजर पोस्ट होता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो मेरे को उम्मीद है कि इसी डायरेक्शन में कहीं पे हमको एक विलेज भी मिल जाएगा। पहले बना लेते हैं, फूड को पका लेते हैं, उसमें रखें कोयला, ये 3-4 अभी, 5 अभी के लिए काफी है, और बाकी का रख देते हैं इधर, तो जिससे कि हमारा रो आयरन स्मेल्ट हो सके। और इसी के साथ हमारे पास कुछ पिछले एपिसोड से आयरन नगेट भी है, तो उनका एक बना लेते हैं, एक ही बन पाएगा अभी के लिए, एक आयरन इनगट, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5। तो चलिए इधर ये स्मेल्ट हो रहा है, उससे पहले हमने इधर कल पिछले एपिसोड में कुछ नहीं किया था, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो हम क्या कर लेते हैं पहले ना, कि जितने भी ट्रीज वगैरह ना इनको काट लेते हैं, इनसे एक काम तो हो जाएगा कि हमको मिल जाएगा एक वुड का सोर्स मिल जाएगा, और साथ में हमको मिल जाएंगे सैपलिंग्स।
अभी काफी ही ज्यादा यहाँ पे ना ग्रास ग्रास दिख रहा है, तो इनको ना हम ऐसे वाटर बकेट से तोड़ के सीडी कट कर लेते हैं, तो जिससे हम वीडियो बनाने वाले, तो देखते हैं पारा आयनर। अरे कहना क्या चाहते हो? आयरन स्मेल्ट हो चुका है अपनी, पहले खाना बन चुका है, खाने को और दूसरे खाने को डाल देते हैं, और उसी के साथ आयरन भी हो चुका है, तो हमारे पास 5 आयरन इनगट हो चुके हैं। तो इनसे पहले बना लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम, जो कि वाटर बकेट। यहाँ पे शीयर्स नहीं बनानी, वाटर बकेट बनानी, और इस वाटर बकेट में अभी इकट्ठा कर लेते हैं पानी। तो चलिए गाइस, एक दिन तो पूरा सीड इकट्ठा करने का टाइम में लग गया, तो देखते हैं हमारे पास कितना सीड हो चुका है। ओहो, एक स्टेक और 10 साइड और ज्यादा 10 आइटम्स, मतलब 10 और। तो अभी इनको हम कर लेते हैं प्लांट, तो उसके लिए आई गेस ये जगह सही रहेगी, पर उसके लिए एक हो भी चाहिए हमारे पास गोल्डन हो, पर ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी ना कुछ भी नहीं होती। देखना स्टोन की हो बना लेते हैं, तो उसके लिए 2 स्टिक रखते हैं यहाँ पर, और उसके साथ ही हो बनाने की रेसिपी हाँ ये 2 चाहिए इसके लिए, तो ये खो बना लेते हैं। ये गोल्डन वाली तो टूट जाएगी, तो पहले गोल्डन वाली का यूज़ करने वाले हैं, तो उनको हम ग्रो करने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, बट आई गेस इसी के आसपास ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए एक गड्ढा करते हैं नीचे और उसमें डालते हैं, और अभी एक 1 2 3 4
से आ रहे हैं ज़ोंबी वगैरह, इसके नीचे स्पॉन हो रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैंने घर के नीचे ऐसे ब्लास्टर बना रखा है तो स्पॉन तो होंगे। शाबाश बेटा। तो उसी के लिए ये मतलब ट्री आसपास है इसलिए नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, बट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इस वीट को ग्रो होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और उससे पहले हमारे पास जितने भी ट्रीज हैं ना उनसे हम बना लेते हैं अपना के लिए कोल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे थोड़ा रोशनी के लिए ना तो कोल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ना क्या करने वाले हैं, कैसे बनेगा कोल, इधर कोल है तो है, इधर चार इधर आठ, तो पहले ना डे कर लेते हैं और ये कोल निकाल के टॉर्च बना लेते हैं। भाई कमाल ही हो गया इधर से, और टॉर्च बनाने के लिए स्टिक्स रखते हैं यहाँ पे और कोल रखते हैं यहाँ पे। तो अभी चार आठ आठ ठीक है अभी के लिए, पहले ना डे कर लेते हैं। कहीं पता लगे उधर से क्रीपर आ रहा है स्पॉन होके, तो पहले क्या करते हैं यहाँ पे एक टॉर्च प्लेस कर देते हैं नीचे। ये तो अलग ही टेंशन है, दो दो भी यहीं से स्पॉन हो गए। देखें कोई क्रीपर व्यूपर तो नहीं है, अच्छा इतना डार्क हो गया था अंदर के, दो दो भी निकल के इधर से आ रहे थे। तो हमारे ट्रीज अभी ग्रो नहीं रहे, तो ये आसपास के ट्रीज है ना अभी इनको भी थोड़ा माइन कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एनिमल्स को इकट्ठा, एनिमल्स को एक जगह पर रखने के लिए हम उनको बना लेते हैं फेंसिंग। तो उनको फेंस में रखने वाले हैं, तो फेंस बनाने के लिए हम काफ़ी सारे बनाने वाले हैं, ओक प्लैंक्स आधे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, यहाँ पे उठा लेते हैं अभी, इतनी जरूरत नहीं है ठीक है, और बनने के लिए ये यहाँ पे। तो काफ़ी कितने फेंसेस बन गए अभी के लिए, बना लेते हैं 64, ये काफ़ी रहेंगे 48। तो फेंसिंग करते हैं अपन पहले अपने एरिया की, तो वहाँ पे हम डालने वाले हैं एनिमल्स, तो आई गेस इसी के आसपास कर लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे फेंसिंग करते हैं, और इसी के साथ एक बना लेते हैं फेंस गेट, जिसके लिए हमको रखने पड़े हैं दो नहीं मतलब यहाँ पे कुछ प्लैंक्स और कुछ स्टिक्स इधर इधर। तो हमारे पास बन जाएगा कितना, चार फेंस गेट, तो अभी के लिए चार काफ़ी हैं। तो उन फेंस को रख लेते हैं नीचे यहाँ टॉर्चेस के पास, और लगा देते हैं अपना फेंस गेट यहाँ पे, सही है ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा ये सैपलिंग वगैरह भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऑल राइट गाइस, तो हमने सभी ट्रीज काट लिए, तो अभी देखते हैं हमारे पास काफी ही ज्यादा मतलब 18, और ये ठीक है अभी के लिए इतने काफी है। और हमारी टॉर्चेस भी अभी तक बन गई होंगी, टॉर्चेस नहीं मतलब कोल चारकोल मिल चुका है हमको, तो थोड़ा और डाल देते हैं इसके लिए सोर्स, तो और ज़्यादा चारकोल मिल जाएगा हमको, जिससे हम बनाने वाले हैं अपने लिए लाइट्स, ताकि हम कर सकें लाइट चाहिए। और उसके साथ ही हमारे वीट भी ग्रो होना शुरू हो चुके हैं, ये शायद नहीं पका अभी तक, पका कोई भी नहीं है। तो उसी के साथ अभी थोड़ा डिगिंग भी करना शुरू करते हैं, तब तक हमारा ये वीक पक जाएगा और फिर हम एनिमल को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो उससे पहले अभी नाइट होना शुरू हो गई है, और हमारे पास फूड भी काफ़ी कच्चा, कोई कच्चे वाला फूड तो है नहीं, और ये हमारी इन्वेंट्री खाली कर लेते हैं।
तो चलो अभी ना कुछ टूल्स बना लेते हैं अपने, टूल्स क्या दो तीन वो बनेंगे, दो बन जाएंगे अपने पास पिकैक्स, दो पिकैक्स बना लेते हैं इनसे, ठीक है। और क्या करते हैं अपन डिग डाउन शुरू करते हैं, तो उसके लिए पहले तो हम टॉर्च लगाते थे यहाँ पे आसपास ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना ही हो हमारे एरिया के आसपास। आई गेस इतना काफ़ी है, तो थोड़ा और टॉर्चेस बना लेते हैं काम आ जाएंगे, तो टॉर्चेस के लिए रखते हैं यहाँ पे और हम कॉल से बना लेते हैं टॉर्चेस जितनी भी बने, 26 हो गए हैं। तो चलिए अभी शुरू क्या करते हैं अपना, तो ये सैपलिंग्स को ना लगा के चलते हैं तो ग्रो हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम माइन करने वाले हैं Y1116 की तरफ ताकि हमको मिल सके काफ़ी सारा आयरन वहाँ से, तो उसके लिए अब पिकैक्स भी यूज़ कर लेंगे और इसको भी यूज़ कर लेंगे, और अगर हम देखें तो इसकी अभी खाद जरूरत नहीं तो रख लेते हैं। तो चलिए पिकैक्स है ना पहले इसको यूज़ करते हैं, नीचे की तरफ डिग डाउन करते हैं ताकि हम कुछ आयरन मिल पाए। आसपास कोई लावा पूल है, लावा की आवाज़ आ रही है, बस हम पे ना गिर जाए बाकी तो कोई टेंशन नहीं, या हम लावा में ना गिर जाए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो भी थोड़ा सा दूर से ही माइन करने में समझ आ रही है। तो हमको अभी के लिए 8 रो इनगट मिल गए, तो इनको जाकर स्मेल्ट कर लेते हैं ताकि हमको और ज़्यादा आयरन मिले और प्रोटेक्शन के लिए हम थोड़ा बना सकें, एक शील्ड बना दिए और कुछ और आइटम बनाएंगे, और प्रोटेक्शन से अच्छा तो हम एक अभी पिकैक्स बना लेंगे जो काफ़ी काम आएगी। तो रो इनगट को लगते हैं यहाँ पर और कुछ को लेते हैं स्मेल्ट, तो इसमें तो होल बन रहा है यार, कोई प्रोटेक्शन थोड़ा डाल देते हैं। चलिए हमारे पास अभी दो ही है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी वीट ग्रो हो चुकी है बट फुल्ली नहीं अभी ग्रो हुई है, तो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो उससे पहले ना हम थोड़ा ओ इतने आसपास में लगाती क्या, उससे पहले हम क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं और ज़्यादा अपना वीट वुड। चलिए गाइस अभी हमारे पास आयरन स्मेल्ट हो रहा है, इधर नहीं आयरन स्मेल्ट हो चुका है, इधर से 8 आयरन यहाँ पे और 2 यहाँ पर है, तो इससे काम करते हैं। पहले हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए क्या नहीं, चेस्ट प्लेट, चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, और चेस्ट प्लेट बनाने के लिए हमको चाहिए होगा ये, इसे नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, हाँ ये, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 आयरन, तो 2 आयरन से पिकैक्स तो नहीं बन पाएगी, एक शील्ड जरूर बन पाएगी, तो इसे ये नहीं बनाते, रादर हम बना लेते हैं एक पिकैक्स
एक पिकेक्स और उसी के साथ एक एक्स। तो अभी नाइट भी हो चुकी है तो डे कर लेते हैं। और उसके साथ हम बनाने वाले एक इम्पोर्टेंट चीज वो की है शील्ड, काफी काम आ सकती है अगर क्रीपर आसपास हो तो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है। तो एक बना लेते हैं शील्ड। शील्ड बनाने के लिए एक आयरन यहाँ पे और ये शायद मेरे को आइडिया नहीं है, यहाँ पे एक आयरन लगेगा और एक प्लैंक यहाँ पे लगेगा। ठीक है तो बन गई हमारी फर्स्ट शील्ड और इस शील्ड को हम रख लेते हैं अपने ऑफ हैंड में। सही है हाँ, तो ये शील्ड काम कर रही है तो ये सैपलिंग इकट्ठा कर लेते हैं। सो वैसे यही काम लगा पा रहा हूँ सैपलिंग इकट्ठा करके फिर से प्लांट करने में क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा वो चाहिए वुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा वीड भी ग्रो हो ही रहा है तो उससे पहले ना थोड़ा और ज़्यादा डिगिंग कर लेते हैं। चलते हैं नीचे। ये क्या है? तो ये आई गेस स्लैटिस है। तो गाइस हमको मिल चुका अपने माइनक्राफ्ट का फर्स्ट लैपिस और ये कौन से लेवल पे मिला है हमको अगर देखें तो ये है, अरे इसमें वो कहाँ पे दिखता है लेवल वगैरह चेक, सॉरी 35 वाई लेवल 35 में मिला है हमको ये। तो थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा बट चलो एक खुशी की बात तो है कि हमको तो मिलना शुरू। ये लाती सी को माइन कर लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हुए और देखते हैं हमको क्या कुछ मिलने वाला है। ये नीचे केव है क्या है? तो कोई बात नहीं थोड़ा ना आगे चल के यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगा के पहले तो अपना इन्वेंटरी खाली करके आते हैं। तो ट्रीज वगैरह अपने काफी ग्रो हो चुके हैं ये मतलब अपना स्प्रूस का भी हो चुका है और साथ में अपनी ज्यादातर क्रॉप अपना ग्रो हो चुकी है। तो उसके लिए पहले अपना जो मेन आइट होंगे ना वो कर लेते हैं। तो पहले तो ये खाली कर लेते हैं, लैपिस रख देते हैं, ग्रेवल भी रख देते हैं, एंडरसाइट रख लेते हैं बाद में काम आएगा, स्टिक से एक जगह पर कर लेते हैं, इनको नीचे रख देते हैं, कोल की अभी ज़रूरत है, एप्पल जाने देते हैं, फ्लिंट की नहीं ज़रूरत, टोटल फ्लैश की भी नहीं ज़रूरत, इसकी भी नहीं ज़रूरत, एंडरसेट रखना है और तो कुछ नहीं। तो अभी क्या करते हैं अपना क्रॉप भी काट लेते हैं। अभी नाइट होना शुरू होगी तो फिर से एक बार फिर से डे कर लेते हैं। चलो नीचे वो केव थी उसको थोड़ा और आगे जाके ना फिर नीचे को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी वगैरह नहीं है आसपास तो देखते हैं अपने पास कितना वीट है। ये 25 वीट है और इससे क्या करने वाले हम
इससे हम लोअर करने वाले हैं एनिमल्स को। तो चलिए थोड़ा एनिमल ढूंढते हैं, जैसे गाँव काउ शीप। ये काउ काउ तो इधर है। तो शीप भी ढूंढ लेते हैं कि शीप भी मिल जाए। यहाँ पे आसपास कोई शीप है क्या? तो मिल नहीं रही है इधर। तो क्या इधर मिलेगी शीप? नहीं। या फिर इन एनिमल्स को किल करना पड़ेगा, तो तब जाके शीप स्पॉन होगी। यार इतने सारे हॉर्सेस वगैरह के स्पॉन हो रहे हैं, उनकी वजह से कुछ और भी स्पॉन नहीं हो पा रहा है। ये भी वाइट हॉर्सेस। तो चलो अपनी इन फील्ड को थोड़ा ना और कर लेते हैं, ताकि हम तुम इसके बहुत ज़्यादा ब्रीड और फिर से हम इनको कर पाए ब्रीड। उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक और एक नहीं दो और बना लेते हैं। एक इधर एक काऊ का हो गया, एक शीप का, और एक मुर्गियां भी पाल लेते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अभी हमने अपने सब ट्री काट लिए, शायद इसमें से कुछ अभी वुड रह गई है, तो इसलिए शायद ये नहीं, ये काट लिए, कोई बात नहीं। तो जिसको काटने के बाद हमारे पास काफ़ी ही सारे, मतलब कितना, 44 और 64, पांच और दूसरे भी हैं वुड ब्लैक्स मिल चुके हैं। तो इनसे बना लेते हैं पहले प्लैंक्स। ओके, तो इन स्टिक्स को भी मतलब आधा इधर रखना पड़ेगा। तो अभी बन जाएंगे हमारे पास फेंसेस, 42 फेंस बहुत हैं। और उसी के साथ एक नहीं ही दो फेंस गेट बनाने पड़ेंगे। तो जिसके लिए पहले थोड़ा स्टिक्स बना लेते हैं, जिसके लिए ये ऐसे रख देते हैं। ये आगे स्टिक्स इतने काफ़ी हैं, इन स्टिक्स को रखते हैं ऐसे। और एक रख देते हैं यहाँ पे, वो दो बना लेते हैं, दो बनेंगे ना इससे, दो फेंस गेट बन गए, ये काफ़ी अभी के लिए। अंधेरा हो चुका भाई, पता ही नहीं चला। चलो अभी डे बन गया, तो अभी दो और फेंसेस बना लेते हैं, किसके लिए, एक शीप के लिए और एक मुर्गी के लिए। मुर्गी तो वहाँ पे पहले से ही है। Mm-hmm.
तो ठीक है, काफी अच्छा खासा फील्ड ग्रो हो चुका है हमारा। तो अभी अपने पास चिकन और ये, तो चिकन को भी लेके आते हैं। तो अपनी क्रॉप और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना खाने का, वो तो आई गेस अभी के लिए सोल्व हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास गाय भी है, शीप्स नहीं है, चिकन है और हमारे पास काफी कोयला भी है। तो डिगिंग अभी के लिए आई गेस काफी लंबा एपिसोड हो चुका है, तो अभी स्ट्रिप माइनिंग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।